अभी जो हमने पढ़ी है सभी इकोनॉमिक प्लानिंग के मेरिट्स, उसके लाभ या गुण हमने पढ़े। इसके अलावा जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है आर्थिक नियोजन के क्या दोष हैं या क्या उसकी सीमाएं हैं या क्या उसकी हानियां किसी भी अर्थव्यवस्था को उठानी पड़ सकती हैं। डिमेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इस प्रकार यदि हम आर्थिक नियोजन के देखें तो उसके लाभ भी अनेक हैं पर उसकी कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे सबसे बड़ा जो उसकी हानि है, सबसे बड़ी जो उसकी डिमेरिट है वो है लैक ऑफ पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी या उसका हनन। क्योंकि हमने पढ़ा आर्थिक नियोजन जो होता है वो किसी केंद्रीय सत्ता या जो भी केंद्रीय संगठन सरकार द्वारा बना दिया गया है उसके द्वारा उसकी कार्यप्रणाली, आर्थिक नियोजन की कार्यप्रणाली किसी केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय संगठन के द्वारा संचालित होती है। तो इसलिए इसमें किसी भी व्यक्तियों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि तो इसका जो भी संचालन किया जाना है वो किसी केंद्रीय सत्ता के द्वारा होता है। तो उसके द्वारा जो निर्देश या जो गाइडलाइंस या जो ड्राफ्ट बना दिया गया है या जो प्लानिंग आपको बनाकर दे दी गई है उसी के अनुरूप आपको कार्य करना होता है। उसमें आपका व्यक्तिगत सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कोई कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये आर्थिक नियोजन की सबसे बड़ी सीमा या सबसे बड़ा इसका दोष है। इसके बाद देखें तो रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही भी आर्थिक नियोजन के अंतर्गत पाई जाती है, क्योंकि देश में जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं आर्थिक नियोजन के अंतर्गत उनका क्रियान्वयन जो होता है वो मुख्यतः अधिकारी तंत्र द्वारा किया जाता है। यदि वो व्यवस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार है तो हमारा आर्थिक नियोजन जो है वो सफल होगा, अन्यथा लाल फीताशाही के पनपने की संभावना आर्थिक नियोजन में रहती है। इसके बाद है हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज नॉट सक्सेसफुल, दीर्घकालीन नियोजन सफल नहीं होते हैं। आर्थिक नियोजन में पहले ये पाया जाता था कि प्लान जितने अधिक दीर्घ काल के लिए बने उतना कह सकते हैं आगे के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन यदि हम वर्तमान युग की बात करें तो आज इतने चेंजेस निरंतर आते रहते हैं या विश्व इतना परिवर्तनशील हो चुका है कि हम बार बार लॉन्ग टर्म प्लानिंग को प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उन परिवर्तनों के अनुसार अपने प्लान में भी बार बार चेंजेस करने होंगे। और यदि हम प्लान को बार बार चेंज करते रहेंगे तो प्लान का जो मेन मोटिव है वो ही हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, जो जिस एम के लिए हमने उसको बनाया है। यदि हम उसमें बार बार ही परिवर्तन करते रहेंगे तो वो हमारा प्लान ही सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आर्थिक क्षेत्र में जो निरंतर इतने अत्यधिक बार बार परिवर्तन आते रहते हैं, तो यदि आर्थिक नियोजन हम दीर्घ काल के लिए करते हैं और वो उसमें बार बार परिवर्तन करते रहते हैं तो योजना का जो मूल लक्ष्य है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता। ये भी आर्थिक नियोजन की एक सीमा है। इसके बाद है हमारा इनस्टेबिलिटी ड्यू टू पॉलिटिकल चेंजेस, राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी बार बार प्लानिंग में चेंजेस आना, मतलब स्थिरता नहीं रहनी। प्लानिंग जो है वो मुख्यतः सरकार पर और जो उन्होंने संगठन बनाए हैं केंद्रीय सत्ता या संगठन जिस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लानिंग को बनाने के लिए बनाए हैं उस पर निर्भर करती है। तो यदि बार बार राजनीतिक सत्ता में ही परिवर्तन होते रहेंगे, यदि वो ही बार बार अस्थिर होती रहेगी तो प्लानिंग के सक्सेस होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो इस प्रकार आर्थिक नियोजन एक तरह से यदि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कंट्री में है तो आर्थिक नियोजन सफल नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। इसमें जब कभी भी विश्व स्तर पर किसी प्रकार का वैमनस्य राष्ट्रों के मध्य होता है या किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं कंट्रीज के बीच में, तो उससे क्या होगा कि जो सबल राष्ट्र हैं या जो पावरफुल कंट्री
कंट्रीज हैं वो ऐसे कंट्रीज जो कि डिपेंडेंट कंट्रीज हैं उन पे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन या रेगुलेशन या कंट्रोल्स लगा देते हैं कि वो अपना विदेशी विनिमय आयात निर्यात जो भी होता है उसको सही रूप में नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं होने से यदि उनकी विदेश यदि डिपेंडेंट कंट्री की निर्भर राष्ट्र की विदेशी गतिविधियां या विदेशी विनिमय आयात निर्यात ये सभी उस राष्ट्र की विदेशी गतिविधियां प्रभावित होती हैं तो इससे आर्थिक नियोजन भी निश्चित रूप से प्रभावित होता है क्योंकि आर्थिक नियोजन में जो उसे विदेशी सहायता प्राप्त होगी वो कम हो जाएगी और वो कम हो जाएगी तो योजनाओं के एग्जीक्यूट या क्रियान्वयन के लिए वित्त नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की स्थितियां भी प्लानिंग के सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको सीमित करती हैं और ये भी प्लानिंग की एक सीमा है। इसके बाद है हमारा नीड ऑफ लार्ज मैन पावर, बृहद मानव शक्ति की आवश्यकता, क्योंकि योजना जो होती है आर्थिक नियोजन जो किया जाता है वो एक थोड़ा लंबे समय के लिए और कह सकते हैं कि संपूर्ण या पूरे राष्ट्र के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इसका स्तर या इसका एरिया बहुत वृहद होने के कारण आर्थिक नियोजन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होने के कारण हमें बड़ी संख्या में मानवीय संसाधन भी चाहिए होते हैं और वो मानवीय संसाधन भी क्या होने चाहिए निर्धारित योग्यता से परिपूर्ण होने चाहिए जिससे हम अपने जो एम हमने डिसाइड किए हैं उसको पूरा कर सकें। यदि ये दोनों ही नीड हमारी पूरी नहीं होती है तो हमें ये दूसरे राष्ट्रों से यदि हमें अच्छे स्किल्स के जो हमें स्किल्स चाहिए उसके पर्सन नहीं मिल पाते हैं तो हमें दूसरे राष्ट्रों से इस प्रकार के जो जनता है या इस प्रकार के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करना पड़ता है और ऐसा करने से आर्थिक नियोजन की लागत बढ़ जाती है। इसके बाद हमारा इंक्रीज इन करप्शन, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। आर्थिक नियोजन में क्योंकि आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता है क्योंकि हमने कहा कि आर्थिक नियोजन ऐसा फ्री मार्केट नहीं रहता है, इसमें सरकार के निर्णय और जो एक सेटअप सरकार द्वारा बनाया गया है उसके अनुसार उसके द्वारा ही आर्थिक नियोजन को संचालित किया जाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण आर्थिक नियोजन में होता है और इससे प्रशासन व्यवस्था के जो दोष हैं उनके उत्पन्न होने की संभावना या भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना उत्पन्न हो जाती है।